हेलो हियर आज मैं आपके करने हूँ एच पी टेट मेडिकल का पेपर है आपका अगस्त 2020 का साइकोलॉजी सेक्शन के एम सी क्यूज में आपके साथ डिस्कस करूंगी साइकोलॉजी के लिए मैंने आपसे प्रॉमिस भी किया है कि जैसे ही पेपर आपका अनाउंस हो जाता है डेट्स अनाउंस हो जाती है आपका जो दिसंबर के लिए आ रहा है अभी तो आपको साइकोलॉजी के लिए भी मैं एक सीरीज कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस की लेके आऊंगी जो कि एक तरह से कंक्लूजन रहेगा आपका पूरी साइकोलॉजी का आपके डेट के लिए और तब तक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की ये जो अभी बीच बीच में आपको वीडियोस मिल रही हैं ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज हम करेंगे इसमें एमसीक्यूज में जो कंसेप्ट है उसको भी डिस्कस करेंगे उससे रिलेटेड जो एडिशनल क्वेश्चन है उनको भी डिस्कस करेंगे इसलिए ये एमसीक्यू सीरीज भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है चलिए शुरू करते हैं हम पहला क्वेश्चन द कंडीशन विच डायरेक्ट पर्सन टूवर्ड्स हिस्स गोल इज कॉल्ड लर्निंग मेमोरी मोटिवेशन मोटिवेटिंग और इमोशन तो यहाँ पे मोटिवेटिंग हो जाएगा एक्चुअली जो मोटिवेशन होता है वो पर्सन को उसके गोल की तरफ एक तरह से बढ़ाता है तो यहाँ पे रिलेवेंट ऑप्शन सी हो जाएगा सही नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिपीटिशन ऑफ एनी एक्टिविटी लीड्स टू स्ट्रॉगर टाइज इज बेस्ड अपॉन विच प्रिंसिपल ऑफ थॉन डाइट तो जब आप रिपीटिशन करते हैं चीजों का तो उससे क्या होता है आपको एक बेहतर रिजल्ट देखने को मिलते हैं स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देखने को मिलते हैं थॉर्न डाइक के कौन से लॉ पे ये चीज बेस्ड है तो बार बार हम किसी चीज को किसी एक्टिविटी को कर रहे हैं तो एक्सरसाइज कर रहे हैं हम उसकी बार बार तो लॉ ऑफ एक्सरसाइज पे वो बेस्ड होता है सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा और हम यहाँ पे आपको ये भी पता चल रहा है कि लॉ ऑफ एक्सरसाइज थॉर्न डाइक ने दिया हुआ है थर्ड क्वेश्चन है द क्वालिटी एबिलिटी ऑफ परसिविंग अंडरस्टैंडिंग एंड डिफरेंशियटिंग द फीलिंग एंड इमोशन ऑफ वन सेल्फ एंड अदर्स हम जो है परसीव करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं उसको डिफरेंशिएट करते हैं किसको फीलिंग या इमोशन अपने या किसी दूसरे के ठीक है तो उसे हम क्या कहते हैं वो क्या है यहाँ पे ए, सही ऑप्शन जो है बी हो जाएगा इमोशनल इंटेलिजेंस के अंडर स्टूडेंट्स हम उसको पढ़ते हैं नेक्स्ट है आपका हु सेड लैंग्वेज डिपेंड्स अपॉन थिंकिंग तो ये कहा था पियाजे ने कि लैंग्वेज के ऊपर पूरी थिंकिंग जो है इन्वॉल्वड होती है बेस्ड होती है और अगर इससे अपोजिट पूछा जाए कहा जाएगी लैंग्वेज और थॉट जो है सेपरेट हैं एक दूसरे से तो ये किसने कहा था ये वाइगोत्स्की ने कहा था तो दोनों ही क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं आपसे नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग चिल्ड्रन बिकम एक्टिव मेंबर ऑफ द ग्रुप अब ये क्वेश्चन आपका डेवलपमेंट से है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट से है यहाँ पे अडोलसेंस अडल्टुड अर्ली चाइल्डहुड एंड चाइल्डहुड में से इसका सही आंसर स्टूडेंट हो जाएगा दैट इज ऑप्शन ए अडोलसेंस में कोई भी चिल्ड्रन है वो एक्टिव मेंबर हो जाता अपने है अपने पियर ग्रुप का जो उसके पियर होते हैं अपनी एक्टिव पार्टिसिपेशन दिखाता है दूसरा यहां से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि टॉय एज किसे कहा जाता है अर्ली चाइल्डहुड को कहा जाता है दैट इज टॉय एज चार मेन स्टेजेस है डेवलपमेंट की चाइल्ड डेवलपमेंट की प्री स्टेज इन्फेंसी स्टेज उसके बाद आता है देन चाइल्डहुड और चाइल्डहुड में भी लेट चाइल्डहुड और अर्ली चाइल्डहुड पहले अर्ली आता है देन लेट चाइल्डहुड फिर एडोलेशन स्टेज आपकी डेवलपमेंटल स्टेजेस में आती है नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस बाय विच सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम सडनली बिकम क्लियर इज नोन एज अचानक से आपको क्लियर हो जाता है तो इसे क्या कहा जाता है इसे आह एक्सपीरियंस के नाम से जाना जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हु वॉज प्रोपाउंड थी ऑफ हर ऑफ नीड ऑफ मोटिवेशन तो हर ऑफ जो नीड्स है आपके ये सारा ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मैसलो ने इसके बारे में दिया हुआ है और ये सारी हरारकी इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बता दूं इसमें फाइव पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं जैसे ये हरार की इस तरफ को मूव करती है बेस में पहला आता है देन दूसरा तीसरा फोर्थ एंड फिफ्थ इसमें आपको स्टेज इसकी ध्यान रखनी है सबसे पहले फर्स्ट में क्या आता है मतलब हरार की ऑफ नीड है जरूरत जैसे जैसे हम बड़े होते हैं अपनी लाइफ में मूव ऑन करते हैं हमारी जरूरतें कैसे बदलती है तो सबसे पहले बेसिक जरूरत हमारी क्या होती है क्या नीड है हमारी सबसे पहले बोलते हैं ना रोटी कपड़ा मकान है ना ये चाहिए हमें तो हमारी ये क्या है इसके लिए नाम दिया हुआ है मैस्लो ने फिजियोलॉजिकल ये हमारी नीड्स हैं तो पहली है ये सेकेंड स्टेज में क्या है कि अगर हमें ये सब तो मिल गया अब हमें क्या चाहिए जहां हम रह रहे हैं वहां पे हमें खाना मिल रहा है रोटी कपड़ा मकान सब मिल रहा है अब हमें सिक्योरिटी भी चाहिए अपनी सोसाइटी के अंदर तो हमारी दूसरी क्या आ जाती है दैट इज सेफ्टी नीड नेक्स्ट क्या आ जाता है दूसरी सेफ्टी नीड अब सेफ्टी भी मिलगी इसके बाद जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो क्या होता है हम बड़े होते हैं हमारी रिलेशनशिप्स बिल्ड होती है शादी होती है इंटीमेशन होती है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा थर्ड नीड आपकी आ जाती है दैट इज बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड ठीक है थर्ड क्या है एंड लव नीड थर्ड है ये फोर्थ इसमें इसके बाद क्या है इसके बाद आप अपने करियर के बारे में भी देखोगे उसको अकम्पलिश करोगे एस्टेब्लिश करोगे तो यहाँ पे जो है आपकी स्टीम नीड्स आ जाती हैं ठीक है और इसके बाद फाइनल स्टेज पे जैसे बहुत बड़े हो जाते हैं एज वाइज तो आप एक कुछ अपना जो गोल है उसे अचीव कर चुके होते हैं तो आप क्या करते हैं लास्ट में सॉरी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन करते हैं कि क्या पाया क्या खोया आपने इस तरह की चीजें सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो है हायर नीड है इस हरारकी की अकॉर्डिंग टू मैस्लो तो ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ था किसी पेपर में कोई भी स्टेज आपसे पूछी जा सकती है इसलिए आप इसको क्लियर कर लें नेक्स्ट तो क्वेश्चन है और इसे मास्टर ग्लैंड कहा जाता है हाइपोथेलेमस हाइपोथेलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहा जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नाइन्थ द परसेप्चुअल कोई मतलब जैसे अपनी सोच बना लेता है किसी के प्रति कोई तो उसे क्या कहा जाता है ठीक है किसी के प्रति तो ओपिनियन एटीट्यूड अटेंशन या फिर परसेप्चुअल विजिलेंस उसे कहते हैं देखिए इसमें सभी options एक जैसी लगती हैं लेकिन यहाँ पे सही आंसर एटीट्यूड होता है एक्चुअली एटीट्यूड क्या है कि हम किस तरीके से सोचते हैं किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में ठीक है हम क्या कर रहे हैं uh, किसी दूसरे पर्सन uh, के प्रति सोच रहे हैं स्पेसिफिक थिंग हम जो है उसके लिए एक बना रहे हैं एटीट्यूड हमारा ओपिनियन होता है अपना विचार रखना तो ये नहीं होगा अटेंशन भी इसमें नहीं आएगा और पे एक विजिलेंस जो दिया हुआ है इसमें ये आएगा कि जैसे हम लोगों को नोटिस करते हैं और हम जो है वही चीजें परसीव करना इंपॉर्टेंट समझते हैं जो हमारे काम की है मतलब आप अपने महत्व की चीजों को यूजली देखते हैं अप्रोप्रिएट ऑप्शन यहाँ पे एटीट्यूड हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आउट ऑफ फॉलोइंग फैक्टर्स विच वन इज नॉट रिलेटेड टू मेमोरी टिफिकेशन यस yes, हम किसी चीज को आइडेंटिफाई तभी कर पाते हैं अगर हमारे एक तरह से डेटा फीड है मेमोरी है या नहीं है माइंड में या नहीं है कोई लेना देना नहीं है तो यहाँ पे डी ऑप्शन इस एम सी क्यू के लिए सही हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंटेलिजेंस थीरी सपोर्ट द जर्नल इंटेलिजेंस जी एंड स्पेसिफिक इंटेलिजेंस एस ये क्वेश्चन अभी मैंने जो पिछले कल आपको पेपर डाला था साइकोलॉजी का एक पेपर पहले भी सॉल्व करवा चुकी हूँ विजिट कर सकते हैं उसमें भी यही क्वेश्चन लेकिन थोड़ा सा घुमा के पूछा हुआ था एक्चुअली चाहे आप आर्ट्स के हैं चाहे आप मेडिकल के हैं चाहे नॉन मेडिकल के हैं जेवीटी एल टी कोई भी टैट दे रहे हैं सेंट्रल टैट दे रहे हैं साइकोलॉजी के टॉपिक ऑलमोस्ट वही रहते हैं वहीं से क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे जाते हैं तो आप जो है प्रैक्टिस के लिए आप मान लीजिए आप मेडिकल से हैं तो मेडिकल के पेपर तो आप सॉल्व करेंगे ही साइकोलॉजी के आप अगर आर्ट्स के भी करते हो नॉन मेडिकल के भी कर रहे हो दूसरे भी कर रहे हो तो आपको वहां से फायदा ही मिलेगा कोई नुकसान नहीं होगा प्रैक्टिस होगी आपकी तो जी और एस फैक्टर के बारे में जो आपकी थीरीज इंटेलिजेंस थे की वहां पर टू फैक्टर थीरी के बारे में दिया हुआ है यहाँ पे इसका सही आंसर स्टूडेंट क्या हो जाएगा थियरी ऑफ स्पीयरमैन क्योंकि स्पीयरमैन ने ही जो है यहाँ पे टू फैक्टर थीरी दी हुई है गार्डनर है आपके उन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंस का concept दिया हुआ है है, थ्रू बच्चों में क्या विकसित किया जा सकता है स्पिरिट ऑफ लीडरशिप है कोऑपरेशन है डिसिप्लिन है ऑल ऑफ दिस तो ऑब्वियसली अगर बच्चे ग्रुप में काम कर रहे हैं लीडरशिप भी बनेगी एक दूसरे को कॉपरेट भी करेंगे और डिसिप्लिन भी सीखेंगे तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेंटली रिटार्ड आई क्यू विल बी रेंज रखा हुआ है मेंटली रिटार्डेड का पूछा हुआ है तो आपको जो टर्मन ने टेबल दिया हुआ है आई क्यू का वो एकदम आपको लर्न होना चाहिए मैं थोड़ा सा उसको आप बता देती हूँ आपको ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन आपका यही क्लियर होता है कि आई क्यू का टेबल किसने दिया है तो वो दिया है आपके टर्मन ने और अगर आपसे पूछेंगे कि कंसेप्ट आईक्यू का किसने दिया है कंसेप्ट ऑफ आईक्यू तो वहां आपका सही आंसर हो जाएगा ठीक है और ये जो पूरा आपका फॉर्मूला है आईक्यू का जो हम भरते हैं मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इन टू हंड्रेड ये भी विलियम स्टर्न ने ही दिया हुआ है चलिए टेबल का क्वेश्चन आया तो बात करते हैं जब हम बेस से चलते हैं मान लीजिए जीरो से चौबीस तक किसी का आई है तो इन्हें हम इडियट्स कहते हैं मन बुद्धि इसके बाद पच्चीस से लेके 49 तक किसी का है तो इन्हें हम स्टूपिड ठीक है स्टूपिड कह देते हैं और इसके बाद फिफ्टी टू सिक्सटी नाइन है किसी का तो इन्हें मोरन कह देते हैं ठीक है अदर टर्म्स भी कई बार आपको देखने को मिल जैसे स्टूपिड को फुलिश भी कह सकते हैं हम यहाँ पे अब नेक्स्ट है आपका दैट इज सेवन टू सेवन किसी का है तो इन्हें डल या बॉर्डर लाइन हम कह देते हैं आफ्टर दिस अगर किसी का आईक्यू है तो इन्हें हम बिलो एवरेज कह है देते हैं और इसके बाद आ जाते हैं नाइनटी टू वन जीरो नाइन ये एवरेज में आ जाते हैं कि इनका आई क्यू क्या है एवरेज है आफ्टर एवरेज आपके आ जाते हैं सुपीरियर वन जीरो एक सेकेंड अभी अबव एवरेज आएंगे वन जीरो सॉरी 110 एंड 119 के बीच में क्या आ जाते हैं आपके अबव एवरेज एवरेज से ऊपर वाले आ जाते हैं फिर आपके 120 से लेके 129 तक आपके सुपीरियर इंडिविजुअल्स आ जाते हैं सुपीरियर के बाद आपके 130 से 139 के बीच में वेरी सुपीरियर आ जाते हैं और लास्ट में आपके अगर 140 फोर्टी की सिकाई क्यों है या फिर इससे भी ज्यादा है तो उन्हें हम जीनियस कहते हैं ओके okay? आइए बात करते हैं एम की तो ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर थर्टीन हम लोग कर रहे थे मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड आई क्यू विल बी तो ये रेंज आपकी एवरेज की है ठीक है ये आपकी बिलो जो सेवेंटी है मोरोन है ये आपकी डल या बॉर्डर लाइन जिन्हें हम कहते हैं और यहाँ पे ये जो है आपकी वन थर्टी यहाँ पे जो दे रखा है दैट इज जीनियस जीनियस भी नहीं होगा ठीक है एवरेज भी नहीं होगा मेंटली है 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 ये भी जो डल डल या dull है, लेकिन मेंटली रिटार्डिड नहीं है तो यहाँ पे जो है स्टूडेंट इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा मोरन जिसमें आते हैं बिलो सेवेंटी वो मेंटली रिटार्डिड कंसिडर किए जाएंगे नेक्स्ट आपका है फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट वॉज डेवलप बाय हुम किसने सबसे पहले इंटेलिजेंस टेस्ट को जो है वो

एक क्लास में एक लर्नर है जो उनके लिए एक जैसा करिकुलट इज इम्पॉसिबल टू डेवलप द पोटेंशियल ऑफ लर्नर इन हिट्रोजिनस क्लास नहीं ऐसा भी नहीं हिट्रोजिन क्लास का मतलब है कि अलग अलग आईक्यू अलग अलग इंटरेस्ट वाले बच्चे हैं तो ऐसा भी नहीं है नेक्स्ट है नो टू लर्नर अ लाइक इन देअबिलिटी इंट्रस्ट एंड टैलेंट यस ऐसा है कि Uh, कोई दो लर्नर जो हैं एक तरह से उनकी एबिलिटी इंटरेस्ट और टैलेंट में एक जैसे नहीं हो सकते ऐसा इंडिविजुअल डिफरेंसेस आ जाते हैं ऑप्शन डी जो है यहाँ पे अप्रोप्रिएट इसके लिए रहेगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोलॉजिकल और नेचुरल मोटिव बायोलॉजिकल नहीं है हंगर तो देखिए हमारी बॉडी से जुड़ा हुआ है बायोलॉजिकल है थ्रस्ट हमारी बॉडी से जुड़ा हुआ है हमें प्यास लगती है स्लीप हमारी बॉडी से फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी से जुड़ा हुआ है सी ऑप्शन हैबिट आदत जो है हमारी वो हमारी बॉडी से आप नहीं कह सकते कि बायोलॉजिकल एक फैक्टर है सी ऑप्शन इस एमसीक्यू के लिए करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू प्याजे फर्स्ट स्टेज ऑफ कगनेटिव डेवलपमेंट इज प्याजे ने चार स्टेजेस दी हैं जिसमें से फर्स्ट स्टेज है आपकी सेंसरी मोटर स्टेज दूसरी स्टेज है आपकी प्री ऑपरेशनल और कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज थर्ड है और फोर्थ स्टेज इसकी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज आ जाती है नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन साइड थियरी ऑफ लर्निंग इज प्रमोटेड बाय थियरी की बात की गई है यहाँ पे तो सही आंसर हो जाएगा पैबलब ने जो है क्लासिकल कंडीशनिंग दी है बहुत बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन जीन पे आज कग्नेटिव डेवलपमेंट जीन पे आज की और भी लैंग्वेज के कंट्रास्ट में हो गया और क्या क्या चीजें इन्होंने अपनी इस स्टेजेस में कही ये इंपॉर्टेंट है साइकोलॉजी ने कल्चरल थीरी दी है और इन्होंने जो बातें कही हैं सोसाइटी के कंट्रास्ट में ज्यादा कही हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है लर्निंग लर्निंग डिसेबिलिटी रिलेटेड टू मैथमेटिक्स आर कॉल्ड डिसेबिलिटी का क्वेश्चन भी ज्यादातर देखने को मिल ही जाता है जिन्हें हम लर्निंग डिसऑर्डर्स कहते हैं वहां से इस टॉपिक से ये क्वेश्चन रहते हैं तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज डिसिया ये रीडिंग डिसेबिलिटी से है डिसकैल्किलकुलिया वर्ड में आपको देखने को मिल रहा है कैलकुलेशन यहाँ पे मैथमेटिक्स का ही पूछा हुआ है ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा डिस्क की बात करें तो ये राइटिंग से जुड़ा हुआ है और ये भी एक अलग से क्वेश्चन पूछा हुआ था जब मोटर स्किल्स में गड़बड़ होती है लिखने पढ़ने और बोलने तीनों से जुड़ा हुआ होता है हु क्रिएटेड कंसेप्ट ऑफ किंडर गार्डन तो ये क्वेश्चन आपका टीचिंग मैथड से है सारे के सारे टीचिंग मैथड्स बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट मैं जो सीरीज आपको बता रही हूँ कि मैं लॉन्च करूंगी उसमें भी मैं ये टॉपिक्स करवाऊंगी क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो किसने दिया है फ्रॉबेल ने दिया है इन्हें फादर ऑफ किडन गार्डन मूवमेंट भी कहा जाता है प्ले वे मेथड भी इसको किडनर गार्डन को कहते हैं प्ले वे मेथड ऑफ टीचिंग नेक्स्ट क्वेश्चन है असेसमेंट फॉर लर्निंग टेक्स अकाउंट फॉर फॉलोइंग एक्सेप्ट तो असेसमेंट फॉर लर्निंग इन जो ऑप्शन है उनमें से किसके रिलेवेंट नहीं है नीड ऑफ स्टूडेंट मिस्टेक्स ऑफ जब हम मतलब असेस करते हैं बच्चों को ठीक है तो उसकी मिस्टेक्स को कंसिडर किया जाता है और दोबारा ऐसी चीजें ना हो तो ये भी देखा जाता है लर्निंग स्टाइल ऑफ स्टूडेंट किस तरह से uh, क्या लर्न कर रहा है बच्चा वो चीज भी देखी जाती है ठीक है और स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ ऑफ द स्टूडेंट उससे हमें पता चलती है बच्चों की स्ट्रेंथ भी पता चलती है नीड की बात जहां पे की जाएगी तो सबसे मेन चीज नीड के लिए क्या हो जाएगी आपकी जब आप अपना लेसन uh, प्लान बनाते हैं तो आप सबसे पहले जरूरत देखते हो बच्चे की उसकी डिमांड है क्या उसके अकॉर्डिंग पढ़ाना है आपको यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है टीचर यूज ऑडियो विजुअल एंड एक्टिविटीज इन हर टीचर बिकॉज इन हर टीचिंग आना था शायद यहाँ पे तो अगर अपनी टीचिंग में वो ऑडियो विजुअल एक्टिविटीज का यूज करती है ऑडियो विजुअल एड्स कह सकते हैं आप यूज uh, करते हैं तो इट प्रोवाइड रिलीफ टू द टीचर फेसिलिटेट इफेक्टिव असेसमेंट प्रोवाइड अ डाइवर्स लर्नर्स एंड यूटिलाइज मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट टू एनहांस द लर्निंग तो यहां पे स्टूडेंट्स डी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा कि ताकि लर्निंग को एनहांस किया जाए बढ़ावा दिया जाए बढ़ सके लर्निंग बच्चे ज्यादा से ज्यादा सीख सकें ओके नेक्स्ट है वेयर वॉज द फर्स्ट साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरी सेटअप पहली एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के लिए जो लेबोरेटरी थी बनाई थी कहा थी? जर्मनी में बनाई गई थी नेक्स्ट क्वेश्चन है आवर फेवरेबल ओपिनियन वन सेल्फ इज अपने लिए अपना फेव, फेवरेबल अगर हम ओपिनियन देते हैं उसे क्या कहते हैं सेल्फ स्टीम उसे कहा जाता है ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम तो यहाँ पे न्यूरॉन सही हो जाएगा ये क्वेश्चन आपका बायोलॉजी से भी रिलेट करता है हमारे नर्वस सिस्टम में हमारी बॉडी में तो न्यूरॉन उसका सबसे छोटा एक यूनिट होता है जो बेसिकली काम करता है हमारे सिस्टम के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच वन ऑफ द करेक्ट स्टेज फॉर इंडस्ट्री वर्सेस फिर इन्फीरियोरिटी ऑफ एरिक एरिक्सन साइकोशोशल थेरी तो इन्होंने अपनी थेरी में जो जितनी भी स्टेजेस दी हैं स्टूडेंट अगेन मैं कह रही हूँ कि पूरी की पूरी थे इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे जो बात की गई है इंडस्ट्री वर्सेस इन्फेरियोरिटी ये वाली स्टेज की बात की है ये तो यहाँ पे छह से बारह साल का जो बच्चा है वो यहाँ पे लाई करता है इस पर्टिकुलर स्टेज में जो आपका दो साल का बच्चा लाई करता है किस स्टेज में ऑटोनॉमी वर्सेज शेम एंड डाउट आ जाएगा

जब डॉग को खाना देना उससे पहले बेल रिंग करनी है तो कंडीशन लिए एक्ट करी थी वो क्या थी बेल थी अनकंडीशन फूड था उसके लिए अनकंडीशन पूछा जाएगा और स्लाइवेशन अपने आप उसकी बॉडी में हो रही थी ठीक है तो तीनों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट है कंपोनेंट इज एनकोडिंग इनमें से किसका एनकोडिंग क्या कंपोनेंट माना जाएगा मेमोरी का माना जाएगा ठीक है यहाँ पे आपको कुछ ये कंप्यूटर लैंग्वेज भी लग रही होगी ये वाली क्योंकि लैंग्वेज इस तरीके से पूछा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन है हु गेव कंसेप्ट ऑफ कंक्रीट एब्स्ट्रैक्ट एंड सोशल इंटेलिजेंस इसके बारे में किसने दिया है थॉन डाइक ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ डिफरेंट कैपेबिलिटीज इन ह्यूमन बींग तो ह्यूमन बीइंग में ट्रांसमिशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर ये बात की गई है तो यहाँ पे जीन करेक्ट आंसर हो जाएगा सो दीज आर एमसीक्यूज फ्रॉम अगस्त 2020 पेपर और आपका यहाँ पे नेक्स्ट पेपर भी आपका चाहे वो आर्ट से है मेडिकल नॉन मेडिकल जेबीटी किसी का भी है आपके लिए वो इंपॉर्टेंट रहेगा साइकोलॉजी की प्रीवियस ईयर एमसीक्यू सीरीज भी रहेगी जैसे ही पेपर का वेट करते हैं देखते हैं पेपर कब तक लॉन्च हो जाएगा अभी और डेट्स अनाउंस हो जाएंगी तो आपको दूसरी सीरीज भी देखने को मिलेगी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी आपको हेल्प कर रही है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए अपने कमेंट्स दीजिए और अपने रिव्यूज दीजिए कि आपको हमारा जो मटेरियल है कैसा लग रहा है हेल्पफुल है या नहीं है और दूसरी चीज की आप अगर